जब चाहिए। अभी मैच शुरू हो रहा है, मैच उद्घाटन हो रहा है, आप लोग बने रहे वीडियो के अंत तक, पूरा वीडियो दिखाएंगे आपको। उद्घाटन हो चुका है, मैच शुरू भी हो चुका है, झोटी के बीच। और यहाँ डेढ़ बोल करार देता हुआ हमारे प्यार चकमा देता हुआ, और यहाँ उतनी एक रन चुराए, इसे एक रन के सहारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 13। वीडियो के लास्ट तक बने रहे भाई, मजा आएगा आगे। अच्छी रन रेट कहा जाए भलान की ओर। अभी पहला भलानी वर्सेस सिक्की, सिक्की ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया भलानी को। भलानी कितने से कितने रन अपने लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। अच्छी शॉट दे चौका, फिर से अगली गेंद विराट के लिए, बिल्कुल टेन शॉट, एम्पायर का इशारा आना बाकी। वीडियो को शेयर करें और विराट जो नए हैं फिर से वही शॉट खिलाड़ी मौजूद से रोक लिया जा रहा है, एक रन से संदेश छोड़ना पड़ेगा इसे इस्तेमाल कर दे। काफी करारा बल्लेबाजी, वही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, पैर का इशारा नो बॉल, एक हुआ फिर हिट का बॉल है ये। गेंद सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए, सिक्स चौके के सारे टीम का रखा हुआ स्कोर 85, फिर वही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कर दो। सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है भाई, लाइक कर दो, लाइक कर दो, फटाफट लाइक कर दो भाई, इतना मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तबीयत भी खराब हो जाती है। बारी बारी कर सकते मैदान से इधर उधर कर रहे हैं, मैदान वो बाहर हो जाएगा, फुक कर दिए वहाँ पर खिलाड़ी, फिर से वही लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, कभी हेलीकॉप्टर शॉट खेलते हैं ये चौका, खिलाड़ी मौजूद से नहीं रोक पाए, गेंद सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए, इसी चौके के सारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर। सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, जो नए हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों को, जो भी बाहरी दर्शक मैदान पर इधर उधर कर रहे हैं, कमेटी से उसके जितने भी कार्यकर्ता बाहर निकलवाने का काम करेंगे। फिर से भाई साहब गेंद सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए, इसी चौके के सारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 105। एक विकेट के नुकसान पर बहुत कमाल से खेलते हैं भवानी की टीम से, फिर से वही बल्लेबाज तमाम टीमों से निवेदन करना चाहता हूँ, कमलदहा मेन टोला में फिर से एक बार 13 तारीख को शॉर्ट होल्डिंग का आयोजन किया जा रहा है, बुरा नहीं जाता है जिसकी वजह से देख सकते हैं। पहला झटका लगता हुआ शिफ्ट की ओर, तो भलोनी ने 111 रन बना, सिक्की की ओर 111 रन बनाया है और सिक्की को टारगेट दिया है 112 का। अगर सिक्की 112 ले लेता है तो फिर जीत जाएगा, वरना फिर इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा डे नाइट क्रिकेट क्लब केलाबाड़ी। वीडियो के अंत तक बने रहे भाई, मजा आएगा। अब देखते हैं सिक्की सिक्की वाले बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं 112 रन, क्या होता है। तो पहला ओवर लेके चले हैं नाराज भाई ने, अच्छी शॉट, काफी अच्छी शॉट, सीधे सीमा रेखा से बाहर चला है, तो सिक्की जीत पाता है या नहीं जीत पाता है, फिर भलानी जीत लेगा शायद, क्योंकि 112 रन छह ओवर में, उतनी अच्छी फील्डिंग आ जाए छह ओवर में, इतना आसान नहीं है भाई, आसानी से एक रन चुराए। तो इस तरह से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन, एक विकेट के नुकसान पर, क्या बोला जाए, पहला ओवर प्रगति पर।
अच्छी शॉट भाई, क्या बोल रहे हैं, जितना डीजे बजता है कि आवाज सुन रहा है हमारे प्यार के द्वारा, शायद बोले नहीं बोले सही फैसला ले इस टूर्नामेंट के अंदर। अच्छी शॉट, वही शॉट लेकिन मिसफील होता हुआ सीडीसी वाले खाते बाहर चल रहा। तो इसी चार रन के सारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन एक विकेट के नुकसान पर चले गए हैं। अच्छी फील्डिंग कहा जाए 111 रन की ओर से एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा, वही एक रन की सारे टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन एक विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर की प्रगति तक। अच्छी शॉट कहा जाए और उतनी ही खराब फील्डिंग कहा जाए, तो इतने खराब अगर फील्डिंग करेंगे तो सूझबूझ के साथ अपने फील्डिंग करेंगे। और अच्छी शॉट उतनी अच्छी और यहाँ जोरदार अपील और यहाँ निश्चित आउट सीधे बॉलर के हाथों में गेंद और विकेट में चंबू की तरह मोबाइल ही है 17 रन के आप लोग सपोर्ट करें, कैमरा भी बहुत फिर से बोलिंग के लिए विराट तैयार। वीडियो को लाइक करें भाई, वीडियो को लाइक करें और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चतुर में अन्य खिलाड़ी के माध्यम से गेंदबाज विराट की हाथों में किपरिन है हमारे। अच्छी शॉट बार-बार खेलते हैं लेकिन उसको चाहिए कि एक गगनचुंबी चौका चाहिए और यहां आउट सीधे आउट निश्चित तौर से तीसरा झटका लगता हुआ। सिटी के बल्लेबाज काफी अपने बल्लेबाजी से नाखुश, काफी खराब बल्लेबाजी कहा जाए अगर ऐसे बल्लेबाजी 111 हाय करो फिर से बोलने के लिए तैयार। इतनी ठंडी में और अच्छी फील्डिंग करते हुए क्योंकि बोलकर शर्मा बहुत ही खराब शर्मा होता है खिलाड़ी के लिए, नींद चैन हराम कर देता है बल्लेबाज को और बॉलर को, क्रिकेट प्रेमी ठंडा होकर बैठ जाता है। लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो। चौथा झटका काफी खराब बल्लेबाजी सिक्की की ओर, भाई इतना मेहनत से वीडियो बना रहे हैं 17 रन पर अटका हुआ, कुछ तो आप लोग ये करो। लगता है अनुभव जैसे कि सिक्की सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट करो, शेयर करो वीडियो को, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सारे पैर टूट गए हैं कुछ ना देख ले, अब हमारे प्यार महोदय क्या कहते हैं भाई ऐसा खेला बार बार मैं आप लोग से गुजारिश करना चाहता हूँ कि बॉर्डर लाइन है भाई बिल्कुल शांत बना के रखे, ठीक है बिल्कुल शांत बना के रखे क्योंकि यहाँ इस बॉर्डर लाइन में क्रिकेट करवाने का अनुमति नहीं दे रहा था, बहुत मुश्किल से हमारे रहमान बाबू विजेता टीम शामिल हो गए बिल्कुल सूझबूझ के। अजीत शॉट और यहाँ पे खेल रहे हैं और अजीत शॉट फिर से वही चौका, देखते हैं क्या सिटी वाले टीम का बनता है, इसको बना पाता है 112 रन हाफ सेंचुरी यानी कि 53 और फिर से बोलिंग के लिए तैयार सामना सिटी। और अजीत शॉट वैसे तो मैच भुला में के शॉट खेला होगा काफी फिर भी सिटी वाले बहुत खुश है यार, गेंदबाज के हाथों में गेंद भले मैच हार चुके हैं हारने ही वाले हैं लेकिन फिर भी फिर से बोलने के लिए तैयार वाले बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं यार, इतना ज्यादा शोर करते हैं अगर कोई विकेट आउट होता है तो बहुत खुश होते हैं लेकिन अच्छे बल्लेबाजी कहा जाए ऐसे ही बल्लेबाजी करना होगा। तीसरा और यहां और अच्छी शॉट और यहां पे आउट, शायद कैच आउट हुए, अब तो फील्डिंग में भी मन नहीं करता जी हां बिल्कुल क्योंकि सोच ले पांचवा कितनों चौका चौका मारे फिर भी मैच हमारे हारने वाले ने सोच लिया है ठान लिया है। काफी खुश नजर आ रहे हैं सिटी की खिलाड़ी इस मैदान के अंदर, बोलानी के ही हैं इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं ना, यानी कि लक्ष्य भी गवा शायद बैठे हैं। ओह एक आउट स्टेपिंग आउट काफी ही अच्छी कीपरिंग कहा जाए, छोटू भाई दिखाते हुए तबारक भाई बहुत अच्छा खेलता है छोटू कट कुछ छोटा कट का खिलाड़ी बाहर के जितने भी खिलाड़ी हैं और हमारे क्रिकेट देखने वाले जो भी भाई हैं कृपया करिए बाउंड्री छोड़ के यानी कि हल्ला फसाद जो भी साइड में कीजिए भाई, कितना और सही पूछिए तो यहाँ सही पूछिए तो बॉर्डर लाइन है हल्ला फसाद ना करे तो ही अच्छा है।
तो इस ओवर में हैट्रिक भी के बल्लेबाजी शिकी दिया है इसको बॉलिंग तबारक। 7 विकेट के नुकसान पर लेग में जो होगा विश्वकर्मा नेपाल वर्सेस डेनिया नेपाल। अच्छी शॉट, बिल्कुल करारा शॉट। ऐसा शॉट अगर देखने को पहले मिलता तो अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते और अपने टीम को योगदान भी देते। फिर से वही शॉट सीधे सीमा रेखा से बाहर, शॉट कहा जाए कोई बात नहीं, काफी लेना है ले ले। फिर से बॉलिंग के लिए तैयार, कैसे लेकिन यहाँ खिलाड़ी से ही जाके टकराए, कोई रन नहीं मिलेंगे। अच्छी शॉट, फिर से वही फील्डिंग करता फील्डिंग, जी हाँ बिल्कुल अच्छी फील्डिंग करते हुए भोलाने की ओर। जी आप भी इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, जैसे अभी शिक्की का हाल थोड़ा गड़बड़ गंभीर चलता है, तो बहुत अच्छा भाई तरह से सिटी वाले ने बहुत अच्छा खेला, खो बैठेंगे तो आपके लिए कुछ हानिकारक होगा, बना पाया जितना बना इस तरह से टीम का बर्ताव है। इसको 42 रन, देखिए कितना रन अभी बचा हुआ और जोरदार प्रहार करने की कोशिश, और हमारे एमपीआर ने सॉरी हमारे कीपर ने कोई चौका नहीं गया, फिर भी फील्डिंग कितना मिस कर रहा है, क्योंकि सोच रहे हैं कि अब हमारे हाथ में तो मैच आ ही चुका है, कितनों भी कुछ करेंगे, अगर चौका भी मारेंगे तो भी हमारे लक्ष्य पर नहीं कदम डाल सकता है। खेल कर लो, खेल कर लो, गुजारिश किया जा रहा हूँ, बुलाने वाले आप कितना भी है कृपया करके बाउंड्री छोड़ दे, मैदान छोड़ दे, नो बॉल आता हुआ हमारे प्यार देता है, नो बॉल वही नो बॉल बुलाने। अभी भी फील्डिंग के लिए काफी अच्छी बॉलिंग कहा जाए, भोलानी बेहद खुश, कम से कम रन में चाहिए कि भोलानी अपने लक्ष्य की ओर पहुंचे, तो निश्चित तौर से आउट होंगे। जी हाँ आउट, कितना झटका लगा है बताएंगे थोड़ा, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो जो नए है भाई प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, यहाँ पे काफी वीडियो को शेयर भी करो, लाइक भी कर दो, क्रिकेट का आनंद लेते हैं और निश्चित तौर से इस तरह से घोषणा पत्र लेता हुआ भोलानी। भोलानी दिखाते हैं मैच में ऐसा ही जलवा दिखाए, सब कोई भी चाहे घोषणा पत्र लेता हुआ जीत भी अगले कदम की ओर पहुंचता हुआ भोलानी। काफी अच्छे 112 का टारगेट दिया सिटी को, सबसे ज्यादा स्कोर खड़ा किए हैं टारगेट दिया था सिटी के खिलाफ, और हमारे सूचना ने 111 रन बनाए, और विश्वकर्मा वर्सेस डेनिया के बीच इस बार लीग में तीसरा खेला जाएगा, जल्द जल्द मैदान के बीचों बीच आए और टॉस उछालने की फैसला करें और जल्द समय काफी निकल चुका है, जल्द जल्द आए मैदान के बीच में और टॉस उछाले, वहीं पे मैं एक बार निवेदन किया जा रहा हूँ।